तो ऐसे लगते हैं कि ये गंभीर है। राम बाबू गुप्ता जी प्रधान है, आपके नौजवान हैं। राम नरेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। शर्वण गुप्ता जी आ गए। जिया लाल जी आप इतना भाई राजेश गुप्ता जी, पवन मालवीय जी, अशोक गुप्ता जी, सुधीर गुप्ता जी, राम बाबू गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी और यहाँ पर राम नारायण जी, राम नारायण शाह जी, मोदी आमोद आमोद जी, ओम शंकर तिवारी जी, जिया लाल जी का तो मैंने नाम दे के बुला लिया। यहाँ पर कोहली जी जो हमेशा आप लोगों के साथ में हर तरीके का सहयोग देने के लिए आपके बीच में हमेशा रहते हैं। डॉक्टर वर्मा जी, भाई ब्रज मोहन जी, भाई अशोक जी भी मैंने भी देखे, अशोक जी यहाँ पर बैठे हैं और तमाम जितने भी मेरे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, नौजवान साथी हैं, मैं आप सब लोगों को इस शुभ अवसर के ऊपर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इतने अच्छे वचन सुनने के बाद में, कथा सुनने के बाद में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि हमें भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में त्याग किया और उन्होंने जो समाज के अंदर हमें सीखने को एक राह दिखाई, उसके रास्ते पे अगर हम कुछ कदम भी चल लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। भगवान श्री राम को जब हम रामायण में पढ़ते हैं, रामलीलाओं के दिनों में उनका मंचन देखते हैं रामलीलाओं के माध्यम से, तो हम उसमें क्या चीज देखते हैं कि भगवान श्री राम जैसा पुत्र सबको मिले, भगवान श्री राम जैसा बेटा सबको मिले, उस जैसा पति सबको मिले, भगवान श्री राम जैसा दोस्त सबको मिले, भगवान श्री राम जैसा भाई सबको मिले। हर रिश्ते की इतनी खूबसूरत तरीके से व्याख्या की है, उसको निभाया है भगवान श्री राम ने कि अगर उन रिश्तों को आज समाज में अगर हम उनको कुछ निभा लें तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज के अंदर एक बार फिर दोबारा से वो प्यार, मोहब्बत और एकजुटता दोबारा से आ जाएगी जिसकी कमी आज समाज में देखने को मिलती है। श्री राम भगवान नहीं थे जब पैदा हुए थे, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, मुझे जितना ज्ञान है मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वो किसके पुत्र थे बच्चों? दशरथ जी राजा थे, उनके परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भगवान कैसे बने? जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि उन्होंने जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 साल वनवास काटा, शायद जो उनके माता पिता ने उनको जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद ने भगवान को भी, जो ईश्वरी ताकत थी उसको भी मजबूर किया कि आज हम उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। तो सबसे बड़ा आने के लिए भी आशीर्वाद की जरूरत पड़ी माता और पिता की। तो जो नौजवान साथी यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी हैं, हमें भगवान नहीं बनना, हम भगवान नहीं बन सकते लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए हमको सिर्फ क्या काम करना है कि अपने माता पिता मम्मी पापा का हमें कहना सुनना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। समझ में आ रही है बच्चों? चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना, तो कम से कम बताओ। आज समाज में उसी चीज की कमी है। रामलीला को सिर्फ आप मनोरंजन के रूप में मत लीजिए। रामायण सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए आए हैं, इसको अपना सिख मत समझे कि वहां पर सब हम लोग इकट्ठे होंगे और कथा सुनेंगे और वापस चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक सीखने का मौका है। इसके लिए आपकी तमाम नौजवान टीमों को बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आप लोगों ने समाज को इकट्ठा किया। मैं बहुत सारी रामलीलाओं में गया, उस तरीके के कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन मैं पूर्वांचल के रहने वालों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इतना डिसिप्लिन मैंने और बहुत सारी जगहों पे नहीं देखा। डिसिप्लिन कैसा कि कोई मारा मारी नहीं है, सब आराम से
इत्मीनान से परिवार के रूप में आप बैठे हैं, हर चीज को सुन रहे हैं बहुत इत्मीनान से, कोई भागने की जल्दी नहीं है आपको। नहीं तो अभी मैं कई रामलीलाओं से आ रहा हूँ, वहां पर क्या धक्का लग रहा है एक दूसरे को, मुझे भी अंदर पहुंचने के लिए 15 मिनट लगे कि उनको अनाउंस करना पड़ा कि भैया विधायक जी पीछे खड़े हैं राजेश तिलोतिया, उनको आगे आने दीजिए। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि ये जो आप लोगों ने अनुशासन अपने जीवन में लिया है, ये अपने बच्चों को आगे देने की आवश्यकता है। आप लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूँ, मैं जो आयोजक करता हूँ उनसे परमिशन ले लूँ। भैया दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आकर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना, मेहनत करना, अगर हमें किसी से सीखना है तो पूर्वांचल के लोगों से सीखना चाहिए। ये प्रदेश आपका नहीं है, लेकिन इस प्रदेश को खूबसूरत बनाने में, इस प्रदेश को, दिल्ली शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जो आपका योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। संघर्ष पूर्वांचल के लोगों से सीखने को मिलता है, किस तरीके से आप लोग जब यहाँ पर आए, बहुत सारे बात मेरी बात से सहमत होंगे, जब आप लोग आए शायद रहने के लिए ठीक तरीके से मकान भी नहीं था लोगों के पास, हम लोगों ने मजदूरी करके, मेहनत करके, हिम्मत करके ये फैसला किया कि हमें अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करनी है। और गरीबी के दिन भी देखे हमने, गरीब होना, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, गरीब होना कोई पाप नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। आज जो गरीब है वो कल रईस हो सकता है, जो आज रईस है वो एकदम रात ही रात में गरीब भी बन सकता है, लेकिन गरीब होना इस बात को साबित करता है कि हमने जो संघर्ष किया जीवन में वो ईमानदारी के रास्ते पे चल के किया। अगर आप लोग बेईमान हो जाए तो बहुत जल्दी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपने मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए अपने बहुत बड़ा त्याग किया, इसलिए गरीबी के दिन भी देखते हैं, लेकिन ये दिन परमानेंट नहीं रहेंगे। उसके लिए पता है क्या करना चाहिए आप लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, स्कूल जरूर भेजिए अपने बच्चों को ताकि वो अच्छा इंसान बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, पुलिस का बड़ा अधिकारी बन सके और आप लोगों का नाम रोशन कर सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि बच्चों को शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए। और बिहार की जो संस्कृति है, बिहार की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर इससे मजबूत संस्कृति कहीं की नहीं है। मैं हमेशा क्या बात कहता हूं, क्योंकि यहां पर कि सब लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, है ना, चढ़ता हुआ सूरज है तो सब सलाम करते हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, उसको भी सलाम करते हैं, छठ पूजा में करते हैं ना, जब सूरज उदय होता है तब भी प्रणाम करते हैं और जब सूरज का अस्त हो रहा होता है तब भी प्रणाम करते हैं। तो ये चीज सीखने को किससे मिलती है, आप लोगों से, पूर्वांचल के लोगों से। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने की आवश्यकता, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कि हमारे पूर्वांचलवासी का जो भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बेगर हिचक के हमारे राजेश मिलोटिया जो बड़े भाई है वो हमारा काम करने का प्रयास करेंगे। जय माता दी। रुकावट के लिए खेल माफी चाहता हूँ, हम महाराज जी से चाहेंगे कि वो अपना कथा आरम्भ करें। और एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच कल हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार का, हमारे बिहार का सबको दिल से बात करने वाले श्री रघुनाथ झा जी कल 9 बजे आने वाले हैं, उनके नाम के लिए जोरदार तालियां बजाइए।
Amen.